Good morning students. So students, today we are going to start our chapter number 2, my family. Okay, तो आज हम हमारी जो बुक है EVS उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है my family. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे, अपनी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए और चैप्टर 1 रीड किया था. तो जो चैप्टर 1 हमने किया तो वो आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा. उस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, हमने एक्सप्लेन किया था और उसे समझने की आपने कोशिश भी की होगी. ऑल राइट, सो अब चैप्टर नंबर 2 भी आपको उसी तरह से पढ़ना है. Let's start. All of us live in a family. तो हम सब कैसे रहते हैं, हम सब अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं. आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, हम आप अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ या फिर फैमिली में जो भी मेम्बर्स हैं उनके साथ में आप रहते होंगे. Parents and their children together make a family. तो पेरेंट्स एंड उनके बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं. तो एक फैमिली में कम से कम एटलीस्ट पेरेंट्स होते हैं, है ना, या तो मम्मी पापा या दोनों, या फिर उनके और उनके बच्चे, मतलब मम्मी पापा एंड बच्चे होते हैं. तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं. तो आप सभी अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं. दे लव एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे से वो प्यार करते हैं, एक साथ रहते हैं और मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं. जैसे आपके बहुत सारे वर्क में, बहुत सारे काम में आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते होंगे, राइट. एंड आपकी जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स से आपके मम्मी पापा हैं, वो आपको बहुत प्यार भी करते होंगे और आपकी हेल्प भी करते होंगे हर काम में. अ फैमिली प्रोवाइड्स लव, वार्मथ एंड सिक्योरिटी टू इट्स मेम्बर्स. तो जो फैमिली होती है ना, वो अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको क्या देती है, बहुत सारा प्यार देती है, एक सिक्योरिटी देती है. मतलब सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी का मीनिंग हो गया जैसे उनको प्रोटेक्ट करके रखना, है ना, उनको संभाल के रखना, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो, सिक्योर रहे. अगर हम एक होम में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो हम क्या होते हैं, सिक्योर रहते हैं. कोई भी प्रॉब्लम हमें हो गई, अगर हमें चोट लग गई, कुछ भी हो गया, फीवर आ गया, तबीयत ख़राब हो गई, तो क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी फैमिली जो होती है वही आपको डॉक्टर के लेके जाती है, आपकी केयर करती है, आपको सिक्योर रखती है, है ना, और आपको बहुत सारा प्यार करते हैं. एंड वार्म्थ मतलब आपको क्या करती है, आपको पैम्पर करती है. कैसे, आपके लिए कपड़े लाना, बहुत सारे खिलौने वगैरह लाना, आपकी जो भी नीड्स होती है उन सबको आपकी फैमिली ही पूरा करती है, राइट स्टूडेंट्स. फैमिलीज आर टू टाइप्स. अब जो फैमिलीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है, वो होती हैं यहाँ पे टू टाइप्स की. तो टू टाइप्स की आपकी फैमिली होती है, कौन कौन सी, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. तो टू टाइप्स की हमारी फैमिली होती है. फर्स्ट होती है न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड होती है जॉइंट फैमिली. अब न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है, कौन सी न्यूक्लियर फैमिली होती है एंड कौन सी हमारी जॉइंट फैमिली होती है, ये हम जो हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ है ये और ये, इसमें हम जानेंगे. तो देखो स्टूडेंट, इसमें लिखा है इट हैज़ फादर, द मदर एंड देयर चिल्ड्रन, इट इज़ अ स्मॉल फैमिली. तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, छोटी फैमिली. छोटी फैमिली जो होती है उसे हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. तो न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है, इट हैज़ फादर, इसमें पापा होते हैं, द मदर एंड देयर चिल्ड्रन, तो पापा होते हैं, मम्मी होती हैं एंड उनके बच्चे होते हैं, बस इसमें इतने ही लोग होते हैं. तो ऐसी फैमिली को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. इट इज़ अ स्मॉल फैमिली, है ना, तो ये कैसी होती है, छोटी फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है. अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर आपको गिवन है बुक में, इसमें आपको कौन कौन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये है मम्मी और ये है पापा एंड ये दोनों इनके क्या हो गए, बेबी, इनके चिल्ड्रन. तो ये ऐसी फैमिली होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली.
ओके तो आपको समझ आ गया होगा न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है या व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, तो आपको क्या बताना है, इट इज़ अ स्मॉल फैमिली एंड इट हैज़ अ फादर द मदर एंड देयर चिल्ड्रन, राइट। नेक्स्ट है हमारी जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली के बारे में हम बात करते हैं, तो जॉइंट फैमिली कौन सी होती है, देखो यहाँ लिखा है अ फैमिली हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजिन्स इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। ओके तो ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, है ना, मतलब दादा दादी, पेरेंट्स आपके मम्मी पापा, अंकल्स आंट्स मतलब चाचा चाची या ताऊ ताई या बुआ फूफा जी हो, है ना, और कौन होते हैं कजिन्स, जैसे कि आपके चाचा का लड़का या आपके चाचा की लड़की, तो वो आपकी क्या होगी, कज़िन होगी। आपकी बुआ है, बुआ के बच्चे हुए तो आपके क्या होंगे, कजिन्स होंगे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कजिन्स, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर। सो नेक्स्ट आगे लिखा है कॉल्ड द जॉइंट फैमिली, तो ऐसी जिसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, आंट्स होती हैं, है ना, कजिन्स होते हैं, ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। अब लिखा है आगे अ जॉइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली, तो जो जॉइंट फैमिली होती है वो कैसी होती है, लार्ज फैमिली होती है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि आपको ये जो पिक्चर है इसमें शो हो रहा होगा, इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं और बुआ है, ताऊ ताई हैं, मतलब अंकल्स हैं, आंटीज़ हैं एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड मम्मी पापा उनके बच्चे भी हैं और ये अंकल आंटी भी हैं, तो ये है आपकी बड़ी फैमिली, लार्ज फैमिली, इसके अंदर ज़्यादा पीपल्स होते हैं, तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो आपको जॉइंट फैमिली समझ आ गई होगी कि कौन सी हमारी जॉइंट फैमिली होती है, राइट। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सिर्फ दोनों जो आपकी फैमिलीज़ हैं इनमें सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको ये दोनों फैमिलीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी फैमिली हमारी कैसी होती है, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली में डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ओके बट हमारी जो नई जनरेशन है उसमें आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में ही रहते हैं, बट जॉइंट फैमिली में रहना हमारे जो इंडिया है उसका कल्चर है। जो पुराने लोग थे वो सब लोग क्या करते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब साथ में रहते थे, सब साथ में खेल सीखना, हंसना, बैठना, उठना, खाना पीना सब क्या होता था, सब साथ में होता था, ओके तो ऐसी फैमिली होती है जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली कैसी होती है, एक हैप्पी फैमिली होती है, ऐसा नहीं है न्यूक्लियर फैमिली हैप्पी फैमिली नहीं होती है, न्यूक्लियर फैमिली भी हैप्पी फैमिली होती है, बट इसमें लोग कम होते हैं एंड जॉइंट फैमिली में लोग ज़्यादा होते हैं। सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो ये हमने आज इतना हमारा चैप्टर रीड किया है, अब इसके जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स।